ये कौन सा है? ये गन्ना आ जाता है। अच्छा, ये गन्ना लगाया हुआ है और गन्ने का हमारे पास रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तकरीबन 3 महीने का, ये 3 महीने पहले हमने इसके कलम लगाई थी। अच्छा। और 3 महीने का ये पौधा है गन्ने का। तो यानी कि अब ये रिजल्ट कब देगा तकरीबन? ये बस तैयार है, बस इसको 15 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा ये गन्ना। ये 11 महीने में इसको काटते हैं जी। ये देखें, ये फिर अमरूद के फ्रूट। अच्छा, देखें हर अमरूद ने माशाल्लाह फ्रूट दे रखा है। देखो ये सारा भरा पड़ा है माशाल्लाह। देखें अवेलेबल नहीं है कोई। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि टोटल जो आपने बताया यहाँ पे पौधे तो कितने लगे हुए यहाँ पर, एक बार फिर जरा? हाँ, यहाँ पर 95,000 लगे हुए पौधे। 95,000 पौधे जी लगाए गए। जी जी। और मखसूस यानी कि वेजिटेबल के भी हैं, फ्रूट्स के भी हैं? जी 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 जी। अच्छा, और यहाँ की जो हम जब आए थे यहाँ की ओरिजिनल हालत ये है। अच्छा। ये देखें, ये है जो ये 20 फीट तक ऐसे ही डेब्रीज ही डेब्रीज है इसके अंदर। ये नीचे जी, और इसी तरीके से यहाँ पे हालात थे। जी जी। फिर हम आपके हम सामने है ना, इसीलिए तो इसको छोड़ा है जी, कि आने वाले देखे कि हम लोगों ने क्या किया और हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं, आज भी हमारी बिजली काट के गए हैं। अच्छा, ये जी चल जी रहा है, हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, हमारे को डंडा चढ़ा रहा है। अच्छा, ये टैंक पानी के लिए? जी जी, ये पानी का टैंक है, पानी का टैंक रखा हुआ है। जो आगे ये कौन कौन से लगे हैं? आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ जाए। जी जी, जंगल बन गया है, आप अंदर जाओगे तो देखने में नहीं आओगे, जंगल का मकसद यही होता है। ये देखें, ये बैम्बू लगा हुआ है, ये वाला, ये भी बैम्बू, ये बैम्बू लगा हुआ है और इसका नाम है काला चुहाड़ी। अच्छा। ये भी यहाँ पर बहुत इसकी फास्ट ग्रोइंग है और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है ये, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। जी जी। और ये वाली जो सामने लगे हुए ये सुख चैन है, ये सुख चैन है। अच्छा। ये छतरी नुमा पौधा होता है ये। अच्छा। ये सांवदार पौधा है ये, जब भी इसका नाम रखा गया है सुख चैन। अच्छा। इसके नीचे जब छाँव छाँव और अच्छा, ये पूरा जो ये पूरे जो फैला हुआ है तो पूरा यही है? जी जी, ये सुख चैन है, बीच में चाइना कनेर भी लगा हुआ है और इस तरफ अर्जन लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये मोरिंगा लगा हुआ है, मोरिंगा लगा हुआ है। अच्छा, झील यहाँ पे किस साइड पर है? झील आगे है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये सब अभी हमने रोक रखा है, इस पर अभी मिट्टी डलवा रहे हैं। अच्छा। तो फिर इस पर प्लांटेशन करेंगे। जी जी, सारी मकामात जी, भी सामने में नजर आ रहे हैं। जी जी। अच्छा, वो जो सामने दरख्त लगे हुए हैं वो कौन से हैं? वो ये जो सामने जो दरख्त लगे हुए हैं ये खजूर पाम है। खजूर पाम है जी। और इसके साइडों में हमने जो प्लांटेशन कर रखी है, 45,000 पौधों की प्लांटेशन इसके साइडों में हुई हुई है। अच्छा जी। तो वहाँ पर जाने के लिए रास्ता कहाँ जी? वहाँ से जाने के लिए आगे से रास्ता मैं लेके चलता हूँ आपको। चलिए चलते। ये देखें, मैंग्रोव का बिजली कर रहा है सारा। अच्छा, ये सारे मैंग्रोव हैं? जी जी। और ये जो आप झील की बात कर रहे थे वो इस हालत में ये वाली झील है? जी जी। पानी इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है? हाँ, पानी अभी दोबारा डलवाए गए इसके अंदर। और ये भी झील की? ये भी झील बनाई हुई हमने। अच्छा जितना फैलाएंगे अच्छा बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो सामने पूरा जो आपने जो खजूर के दरख्त लगाए हैं? जी जी। ये तकरीबन कितनी जगह, कितने हिस्से में होगा तकरीबन? ये तकरीबन एक किलोमीटर का ट्रैक आ जाता है। अच्छा। और उसके साइडों में हमने 45,000 की प्लांटेशन पौधों की कर रखी है। पानी वगैरह अगर कभी ऊपर आ जाए इसके लिए आप? नहीं, वो हमने ये ऊँचा कर रखा है। अच्छा। ये तकरीबन जो ट्रैक है ये 10 फीट ऊपर है। अच्छा, कभी अगर फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि पानी वानी का सेटअप थोड़ा सा ऊपर आने लगा तो कुछ इसके बारे में प्लानिंग है? वो तो बाकी प्लानिंग सर ने कर रखी है। अच्छा, क्या प्लानिंग कर रखी है वो सर को पता है। चलें, ठीक। एक ट्रैक के अंदर आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आएगा
वो भी मैं आपको अर्बन फॉरेस्ट का शेयर करूँगा। यहाँ पर अभी मुख्तलिफ जो कि खजूर के दरख्त हैं जो कि अभी कुछ डैमेज भी नज़र आ रहे हैं, तो और ये पूरा एक ट्रैक बनाया गया है 1 किलोमीटर तक का, जबकि आप साइड में देखें समुंदरी जो पानी अपना फ्लो में होता है तो इस तरीके के मनाजिर जो कि काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आते हैं। और ये देखें ये पूरा ये मनाजिर आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही एक ट्रैक है जिसके साथ हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ चल के जो तमाम तर चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। फ़िलहाल इस ट्रैक पर ऊपर कम से कम काफ़ी ज़्यादा खजूर के दरख्त लगाए गए हैं। जी तो व्यूवर्स, मैंने जो मुकम्मल जो मेरी जो अपनी कैपेसिटी थी जितनी मैं आप लोगों को दिखा सकता था क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से, वो तमाम तर चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करी है। जबकि अभी 10,000 पौधों का जो कि एक एम्बिशन इन्होंने शुरू करा है जो कि इस साइट पर लगाए जाएंगे। ये मुकम्मल दरख्त जो कि खजूर के हैं, ये लाइन से एक ट्रैक बनाया गया है जो कि 1 किलोमीटर का ट्रैक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि आप इसके बिल्कुल बैक साइड पर देखें कितना खूबसूरत लगता है जब इस तरीके के मनाजिर आपको नज़र आए। अभी इस टाइम पर जो कि बारिशों का सिलसिला भी चल रहा है, और अगस्त में तो आपको पता ही है समुंदर भी पागल रहता है, जोश में होता है पूरा, तो इसीलिए अभी आप लहरें देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर लहरें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और यह तमाम तर एनवायरनमेंट और एडवेंचर यह आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, और पूरी जो कि कोशिश मेरी यही थी कि आप लोगों को तमाम चीज़ें जो भी यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं वो मैं शेयर करने की कोशिश करूं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होंगी आपको, काफ़ी एक नई चीज़ है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसके साथ अगर आप लोगों को मज़ीद मेरी वीडियोज़ को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।